हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गो ट्रेवल आर्ट। और मैं हूं आप सबकी फ्रेंड नेहा कौर। तो आज हम एक्रेलिक पपी पेंटिंग करेंगे और ये एक्चुअली बिगनर्स के लिए है, तो होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो मैंने पहले से ही पपी का स्केच बना लिया था, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और अब मैं कलर करूँगी और मैं बैकग्राउंड के लिए ब्लू कलर कर रही हूँ, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत पसंद है। और आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, आप अपना पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैं ब्लू कलर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जब बैकग्राउंड कलर हो गया तो अब मैं अपने पपी को कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसको मैं क्रीम कलर कर रही हूँ, क्योंकि पपी का कलर ही मैं ये रख रही हूँ, तो मैं इसे इसी कलर से उसका पहले आउटलाइन करना है और फिर उसके अंदर पूरा कलर कर देना है। ये सेम कलर करूँगी मैं, क्रीम कलर। पपी को मैंने पूरा क्रीम कलर कर दिया था। और ये ब्राउन कलर वाला जो है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, कुछ इश्यूज हो गए थे इसलिए। तो जस्ट इसे ब्राउन कलर किया हुआ है और कुछ नहीं। और अब मैं पपी को ब्राउन कलर से आउटलाइन करूँगी और उसे हल्का हल्का शेड दूँगी, क्योंकि पपी का कलर होगा ब्राउनिश, क्रीम एंड ब्राउनिश, तो इसे हल्का हल्का शेड दूँगी मैं। हल्का हल्का शेड में ब्राउन, वाइट एंड ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, वाइट और क्रीम कलर। तो मैं फ़िलहाल के लिए ब्राउन, ब्लैक एंड क्रीम कलर यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको मेरी ये पेंटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे आके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आके सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।